नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी फी रिफंड के बारे में। तो बहुत बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया और फ़ी का रिफंड का अभी तक वेट कर रहे हैं। अब ये फ़ी का रिफंड क्या होता है और कब तक आपका रेलवे ग्रुप डी का फ़ी का रिफंड आएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर, यहाँ पर जो टोटल पैसे आप लोगों ने लगाए थे 500 रुपये, कितने 500 रुपये, जिसमें से उन लोगों ने बोला कि 100 रुपये वे रख लेंगे, ठीक है, 100 रुपये वे रख लेंगे, बाकी रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, ये मतलब समझ के चलिए तो 2 से 3 साल लग गया रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने में, और लगभग 2023 में अब ज्वाइन मतलब एक ज्वाइनिंग टाइप हुआ है। तो जो लोग एग्ज़ाम में बैठे थे, ठीक है, जो लोग फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम में बैठे थे, भले एग्ज़ाम क्वालिफाई किए या ना किए, तो उन लोगों को फ़ी का रिफ़ंड मिलेगा रेलवे ग्रुप डी का। तो कितना मिलेगा, तो अगर बात करें तो टोटल 400 रुपये नहीं मिलेगा, 300 कुछ मिलेगा, 370 रुपये मिलेगा रिफ़ंड। कितना, 370 रुपये के आसपास मिलेगा रिफ़ंड। वो ये हर स्टेट का मतलब कुछ टैक्स के हिसाब से होता है। 370 के आसपास रिफंड मिलेगा रेलवे ग्रुप डी का। तो अगर बात करें कि रेलवे ग्रुप डी का अभी हाल ही फ़िलहाल में 1 महीना पहले, अभी हाल ही फ़िलहाल में 1 महीना पहले रेलवे ग्रुप डी ने एक लिंक जारी किया था, और उस लिंक से मदद से उस लिंक के मदद से यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का रिफ़ंड का फॉर्म भराया था, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का रिफ़ंड का फॉर्म भराया था, जिसमें हम लोगों ने अपना अपना रिफ़ंड का फॉर्म भरा था, आपने भी अपना रिफ़ंड का फॉर्म भरा था, अपना बैंक स्टेटमेंट डाला था। तो आपके बैंक में पैसा कब तक आएगा, आप यही जानना चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो आपका बैंक में पैसा होगा वह 370 रुपये, वह कब तक आएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में जिस दिन आपने वो लिंक वे फॉर्म भरा था, रिफ़ंड वाला फॉर्म भरा था, उस दिन से कम 2 महीना के अंदर में, आपका रिफ़ंड आएगा। मतलब मान के चलिए तो यहाँ पर 30 जुलाई तक, ठीक है, आपका 30 जुलाई तक, कितना, 30 जुलाई तक आपका रिफ़ंड रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पर आ जाएगा। और रेलवे ग्रुप डी के रिफ़ंड या गवर्नमेंट जॉब से किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।